पतला के गांव चंदावली स्थित आईएमटी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने विधायक नैनपाल रावत का आईएमटी की टूटी हुई सड़कों को बनवाने के लिए धन्यवाद किया। हरियाणा वेयरहाउस के चेयरमैन एवं पतला के विधायक नैनपाल रावत ने उद्योगपतियों को आश्वासन दिलाया कि सरकार और उनका प्रयास है कि उद्योगपतियों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो और उनकी जो भी समस्याएं हैं उन्हें जल्द हल करवाया जाए। उन्होंने कहा कि उद्योगपति न केवल युवाओं को रोजगार देने का काम कर रहे हैं बल्कि सरकार को रेवेन्यू देते हैं। उद्योगपतियों की जो भी समस्याएं हैं उन्हें जल्द हल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सड़क के बनने से वहां पर काम करने के लिए आने वाले कामगारों को भी अब परेशान नहीं होना पड़ेगा, वहीं उद्योगों को भी सड़क के बनने से बढ़ावा मिलेगा। देखिए, जब से मुझे इस बार इस प्रदेश अपने क्षेत्र की जनता का जो सेवा करने का मौका मिला है, मेरी एक ही सोच रही है कि इंडस्ट्री को कैसे बढ़ावा दिया जाए। 2 साल के कोरोना के बावजूद जो हमारी सड़कें जो आईएमटी की थी, क्योंकि सभी इंडस्ट्रीज छोटे और बड़े वहाँ पर अपना कार्य करते हैं और उसकी जो दशा थी या हालत थी सड़कों की या जो कनेक्टिविटी की वो अच्छी नहीं थी। पहले तो जो 2 इन के लिए अपना जो बड़ौदा वाला जो हाईवे हम बन रहा है उसमें से 2 एलिवेटेड पुल बनवाने का श्रेय हमारी सरकार को, माननीय गडकरी जी को जाता है, प्रदेश की सरकार को जाता है। और यहाँ से जो हमारे हेमंत शर्मा जी हैं अपने चनावली से, उन्होंने भी इसमें अहम भूमिका निभाई है। तो हमारी सरकार की सोच, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सोच और ख़ासतौर पर मेरी सोच, मैंने हर किसी समय में, चाहे वो सदन की कार्रवाई हो चाहे बाहर किसी तरह का इंडस्ट्री का मुद्दा हो, तो मैंने बढ़ चढ़ के अपने इंडस्ट्रियलिस्टों की बात को आगे बढ़ाया है। क्योंकि इंडस्ट्री बढ़ेगी, इंडस्ट्री के लोग बढ़ेंगे तो सरकार को जो रेवेन्यू है वो तो आएगा ही, साथ के साथ बेरोजगारी पर भी अंकुश लगाने का कार्य है। क्योंकि सरकार में जो भर्तियां हैं वो ज़्यादा बड़े स्तर पर नहीं हो सकती, इसलिए इंडस्ट्री को बढ़ावा देना हम सबका कर्म बनता है, धर्म बनता है। और इस पर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और हमारी सरकार खरे उतर रही है, तो इनकी जो भी समस्या आगे भी हैं उनका भी निराकरण करना हमारा कर्तव्य है, उनका भी करते रहेंगे। देखिए, आईएमटी एसोसिएशन जो हमारे कंपनियों की जो दिक्कत परेशानी होती है उनको आगे बढ़ाती है, हमारे पर तक पहुंचाती है, उनका समाधान हम करते हैं। साथ के साथ जो आईएमटी रोटरी जो क्लब बना है, मैंने इनसे एक ही अपील की है कि सभी संस्था मिलकर एक पारिवारिक रूप से आईएमटी को कैसे सुंदर बनाया जाए, उसमें कैसे हमें आगे बढ़ाया जाए, इंडस्ट्रियलिस्टों को कैसे फ़ायदा पहुँचाया जाए। क्योंकि जो रोटरी है वो सामाजिक कार्य करती है और जो आईएमटी की एसोसिएशन है वो हमारी फैक्ट्रियों के जो मुद्दे उनको सुलझाने का कार्य करती है। तो दोनों का काम अलग अलग है, लेकिन मैं चाहता हूं कि दोनों कंबाइन होकर के मिलकर के कार्य करें और एक ही एसोसिएशन जो पुरानी चल रही है वो अच्छे से कार्य करती है। बाकी जो लोग हैं वो वहाँ फंडेबाजी करके या इंडस्ट्रियलिस्ट से कुछ हासिल करने के लिए कुछ तरह की जो गतिविधियां चला रखी हैं उन पर भी अंकुश लगाना हम सबका कर्तव्य है। हम सब मिलकर के उन पर अंकुश लगाएंगे और एक ही एसोसिएशन जो हमारी पुरानी चल रही है उसके साथ मिलकर कार्य करेंगे।